माना कि ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से नजारा भी अलग होता है। तो भाई फिलहाल हम रुके हैं यार जूस पीने, क्योंकि क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो अभी जूस पी के और अपन निकलते हैं दूसरे बीच के लिए। भाई काफ़ी गर्मी है, आप लोगों को यहाँ पर सनस्क्रीन तो भाई चाहिए चाहिए, और इन चीज़ों की तो भाई ज़रूरत पड़ती है जूस वगैरह की। तो अभी इसको पीते हैं और निकलते हैं यार। Hardwired. तो बंद है और यहाँ से आप लोगों को एंट्री मिलेगी। ओके फ्रॉम हियर, वेलकम बैक टू माई चैनल। फिलहाल मैं हूँ इस वक्त बेलेलम बीच पे, जो कि कोलवा बीच से सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर दूर है। और इस बीच पे आप लोगों को क्यों आना चाहिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप सभी को शांति की जगह पसंद है तो ये बीच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। यहाँ पर फिलहाल पूरे बीच पे कोई भी नहीं है सिर्फ हमारे अलावा, पूरा बीच भाई खाली पड़ा है पूरा। आप इंजॉय कर सकते हो, ये भाई का सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है जिसका बाहर बैनर लगा हुआ था। आप लोग यहाँ पर सेक्स वगैरह ले सकते हो रेंट पे। आप लोगों को मैं रेट लिस्ट भी बता देता हूँ उनकी। योर स्टोरी बीच सेक्स आप लोगों को बेनालम बीच पे सिर्फ एक ही मिलेगा, जो कि ये है सामने। सो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी पानी के पास। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस वक्त बेनालम बीच पे हूँ और ओनर से हम आपको मिलवा देता हूँ। बीच पे जो सेक्स वगैरह पड़ी है उसका क्या मतलब, बैठने का क्या चार्ज है? बैठ का कोई चार्जेबल नहीं है, बट यहाँ पे आपको ड्रिंक वगैरह देना पड़ेगा जो भी है यहाँ पे। मतलब तो आप लोगों को यहाँ पर या तो लंच करना पड़ेगा या कोई ड्रिंक वगैरह लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको शेक फ्री मिलेगी। ओके टाटा। ओके तो ये है यहाँ पर पूरे बीच पे कुछ लोग अपन अंदर एंजॉय कर रहे हो। काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पर बैठे थे भाई के रिसोर्ट पे, आप लोगों को मैंने दिखाई दिया। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि गर्मी तो आप लोग देख ही रहे हो यार गोवा के अंदर। अभी फिलहाल गर्मी पड़ रही है, अभी फिलहाल हम जाएंगे दूसरी लोकेशन पे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर करना और शेयर करना आपके भाई का चैनल। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरीके से अगली वीडियो में, तब तक बहुत मेहनत कर रहा है भाई, बहुत लाइक आने चाहिए, शेयर फुल दबा के करो, 1000 करवाओ भाई जल्दी से जल्दी।